हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर एक न्यू डिजाइन तोरण लेकर के आए हैं। ये देखिए, ये बनाने में बहुत इजी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकती हो। ये देखिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए न्यू डिजाइन की वीडियो लेकर आते रहते हैं। ये देखिए। और ये फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हम ये एक ये ऊन लेंगे और ये इस तरह से इसमें एक फंदा डाल लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये गेट की पट्टी बनाना बता रहे हैं। ये पट्टी हमने अपने पिछले वीडियो में भी बनानी बताई हुई है, फिर भी एक बार और बता रहे हैं हम पट्टी। देखिए, सबसे पहले हमने ये बीस की चेन बना ली है सिंगल सिंगल क्रोशिया करके। ये देखिए, और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया करके पीछे वाले होल में से ऐसे निकाल लेनी है और ये पूरे धागों को इसी तरह से छोड़ देना है। और फिर उसी तरह से डबल क्रोशिया करके ऐसे और सिंगल क्रोशिया हर होल में से ये डबल क्रोशिया करके निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये गेट की पट्टी जो हम बनाना बता रहे हैं, ये बनाने में एकदम इजी है और ये आप बहुत आसानी से बना सकती हो इसे। और ये हम फर्स्ट राउंड इसी तरह से बना लेते हैं, हर होल में से एक बार डबल क्रोशिया करके। और हमें इस तरह के तीन राउंड बना लेने हैं ऐसे। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा ढीला ढीला धागा छोड़ना है। ये देखिए, हमने इसमें तीन राउंड बना लिए हैं और हर उस पर होल पर ये हमें ढीला ढीला धागा छोड़ना है, तो इसका डिजाइन थोड़ा और अच्छा आएगा ऐसे। देखिए, हमने इधर की साइड से पांच छह होल बना लिए हैं और फिर हम ये चार की चेन बना लेंगे ऐसे। और फिर ये तीन होल को छेक कर चौथे होल में इस तरह से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे इसे। और फिर पूरे धागों को इस तरह से निकाल लेंगे, फिर एक बार और डबल क्रोशिया करके ऐसे। और फिर हम ये दो तीन तीन की चेन चार की चेन बना लेंगे इसी तरह से। और फिर तीन होलों को छेक कर अगले होल में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे ये देखिए ऐसे। और फिर उसके बाद उसी तरह से हम ये एक हर होल में से डबल क्रोशिया करके और थोड़ा ढीला ढीला धागा छोड़ते चले जाना है ऐसे। और हर होल में से हम इसी तरह से निकालते रहेंगे ऐसे। और इस पट्टी पर हम ये डिजाइन डालेंगे। देखिए कितना सुंदर डिजाइन है और ये एकदम इजी है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पट्टी को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, फिर हमने ये पेंसिल ली है और ये दूसरे कलर की ऊन और इस पट्टी के थोड़े इस तरह से इस पर ये लपेट लेने हैं ऊन को ऐसे। आप बड़ा फूल बनाना चाहते हो तो पूरी पेंसिल पर भी लपेट सकते हो, तो इसका बहुत ही अच्छा फूल बनेगा, मोटा बनेगा। और ये हम छोटे फूल बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से लपेट ली है पेंसिल पर ऊन और इसे ऐसे निकाल कर
ऐसे, और यहाँ पर ये गांठ बांध ली है, और ये गांठ थोड़ी टाइट बांधनी है ऐसे करके। और ये हमारा फूल बन गया है। और फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह के फूल हमने इसमें 300 फूल बनाए हैं इस तरह के। और फिर हम इस पट्टी पर ये बनाकर बताएंगे इन फूलों की तोरण। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सुई में ये इस तरह की ऊन डाल ली है ऐसे, और यहाँ पर एक गांठ बांध लेनी है, ये फूल नीचे की ओर निकले नहीं। और ये एक मोती डाल लेना है ऐसे, फिर दो फूल, और फिर ये एक मोती ऐसे, हर बार दो फूल और एक मोती को डाल लेना है। और इसकी हमें एक लटकन बना लेनी है ऐसे। आप चाहे इसमें मोती की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, या कोई और कलर के मोती भी डाल सकते हैं इस तरह से। हम ये पूरी लटकन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए, ये हम इस पट्टी पर ये हमारी लटकन बन गई है। और ये पट्टी ली है फिर, और ये थोड़ी कॉर्नर से अलग ज्वाइंट करनी है। यहाँ पर हमने इसे इस तरह से ज्वाइंट कर दी है, थोड़ी टाइट ही ज्वाइंट करनी है, ये खुले नहीं। और इसे यहाँ पर ये ऐसे ही हम इसे यहाँ पर लगा ली है, और एक यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो पहले लगाई थी हमने, ये छोटी है और ये उससे थोड़ी बड़ी है। इसे यहाँ पर ये देखिए ऐसे, और दो लटकन यहाँ लगा दी हैं इस तरह की, और दो ही लटकन हम यहाँ पर लगाएंगे। ये छोटी है और ये इससे बड़ी ऐसे, और दो ही लटकन हम इधर साइड लगा लेंगे। ये देखिए, और दो लटकन हमने इधर साइड लगा ली हैं ऐसे। और अब हम ये चारों उंगलियों पर लपेट कर इस तरह से कम 20 बार लपेट लेना है। और इसका हम एक नीचे की लटकन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से लपेट कर इसे पूरे को निकाल लिया है, और इसे यहाँ से कट कर लिया है ऐसे। और यहाँ पर इसे थोड़ा टाइट बांध लिया है ऐसे। और ये हम ये कॉर्नर वाली लटकन बना रहे हैं, जो ये कॉर्नर पर जगह छुटी हुई है इस तरह से। ये हमने इस फूंदने के बीचों बीच कर ये ऐसे धागे को निकाल लिया है। और अब हम इस धागे को भी इसी में डाल लेते हैं इस तरह से। अब हम इसमें सबसे पहले एक मोती डालेंगे, और फिर ये दो ये फूल,
और फिर एक मोती, और फिर ये एक फूल, दो फूल, और इसी तरह की हम लटकन बना लेंगे इस तरह से। फिर दो ये फूल, फिर एक मोती ऐसे, और इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे इस कॉर्नर पर इस तरह से। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये दो लटकन ज्वाइंट करी हैं, यहाँ पर ये ऐसे ये दो लटकन लगाई हैं, और दो लटकन हम यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर, और दो लटकन इधर साइड भी ये यहाँ पर, और ये एक लटकन हमने ये यहाँ पर लगाई है जो यहाँ ये जगह छूटी हुई है, और इससे ये थोड़ा और अच्छी लगेगी। तो एक लटकन हमने इस और इसके बीचों बीच लगा दी है। यहाँ पर ये देखिए इसके और इसके बीच लगा दी है। और इसे भी यहाँ पर हम टाइट सा बांध देंगे। और एक लटकन हम ये दूसरे वाले यहाँ से और यहाँ यहाँ से दोनों को इस तरह से, और ये एक्स्ट्रा धागों को हम कट कर लेंगे। इस तरह से, और हम ये पट्टी पर ये थोड़े और कहीं कहीं पर ये फूल रख देंगे, इससे थोड़ी और अच्छी दिखेगी। इस तरह से आप फ्रेंड्स इसे सुई से भी लगा सकते हैं तो भी अच्छी लगेगी। ये मैं ग्लूगन से लगाना बता रही हूँ ऐसे। और ये हमारी तोरण बन करके तैयार है, ये देखिए। और ये बनाने में एकदम इजी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।